बॉडी भी सुकड़ गया इसका, वहाँ भी नहीं सामने का या केवल ब्लड का ऐसे नहीं था में दो तेंदुओं की मौत हो चुकी है, क्या है मामला और इसको लेकर के वन विभाग क्या कदम उठा रहा है? इस संबंध में हम लोगों को कल दोपहर में खबर मिली थी कि उस क्षेत्र में एक छोटा तेंदुआ जिसकी उम्र 12 महीने से 15 महीने के बीच थी और एक गाय का बच्चा जो कि लगभग 1.5 साल का रहा होगा, कि दोनों की बॉडी आसपास मिली है और गाय की बॉडी को थोड़ा बहुत खाया हुआ था। हमने पूरे क्षेत्र में अपनी कॉर्डन ऑफ कर दिया और NTCA के प्रोटोकॉल के अनुसार हमने उसमें जांच शुरू की तो आज सुबह एक और तेंदुए की बॉडी मिली जो जिसकी भी उम्र 12 महीने से 15 महीने के बीच में थी। इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है वन विभाग? जब हम लोगों को ये बॉडी मिली इसके पहले इस बीच में हम लोगों ने रात में एक वहाँ पर अपने कैमरे भी लगा दिए थे, ट्रैप कैमरे, जिनसे कि रात के अंधेरे में भी फोटो आ जाती है। तो उसमें ज्ञात हुआ कि एक वहाँ बड़ा तेंदुए की भी मौजूदगी है और इस बात की संभावना पूरी थी कि ये इसी तेंदुए द्वारा इन दोनों छोटे तेंदुओं को मारा गया है और आज शाम को जो पोस्टमार्टम किया गया है उस पोस्टमार्टम में भी ये स्पष्ट हो गया कि दोनों बच्चों की जो मौत हुई है उस बड़े तेंदुए के द्वारा ही हुई है और इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख दो कारण हैं, एक तो मेटिंग पीरियड जब नज़दीक आता है उस समय नर तेंदुए द्वारा बच्चों को मारा जाता है, दूसरा ये भी संभव है कि जब वो अपने शिकार पर बैठा था उस दौरान दोनों तेंदुए दिखाई दिए होंगे, इस दौरान उनकी कंपटीशन में उनकी हत्या कर दी गई है।